ऐश्वर्या बहुद्देशीय संस्था और संस्था की संचालिका शालिनी सक्सेना मनपा और चित्रांश बहुद्देशीय संस्था के सहयोग से दिहाड़ी मजदूरों के रहने व रुकने की व्यवस्था में अपना पूरा योगदान दे रही है। साथ ही इस कार्य में शालिनी सक्सेना का पूरा परिवार दिन रात अपना योगदान दे रहा है। इन दोनों संस्थाओं की मदद से तकरीबन 200 दिहाड़ी मजदूरों को होम शेल्टर में रखा गया। साथ ही इनके रहने रुकने और खाने पीने के साथ मनोरंजन तक का भी ध्यान रखा जा रहा है, ताकि यह मजदूर इस लॉकडाउन के परिस्थिति में फिर से अपने अपने गांव जाने की जल्दबाजी ना करे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों पर हुआ है, मानो इनका सुकून छीन सा गया हो। इन्हें दिनों दिन अपने अपने घर जाने की चिंता सता रही है और ये बस लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तब तक इनके रहने और रुकने की व्यवस्था कई स्वयंसेवी संस्था द्वारा की जा रही है। यह संस्थाओं ने कई जगहों पे होम शेल्टर में तब्दील कर दी इनके रहने और रुकने और खाने की सुविधा की है, जिसके लिए नागपुर महानगर पालिका भी सहयोग कर रही है। साथ ही इन्हें जागरूक करने के लिए शेल्टर होम में मानसिक तज्ञों द्वारा मार्गदर्शन भी किया जा रहा है, ताकि बाहर की स्थिति सामान्य होने तक ये लोग बाहर ना निकले और देश में आई आपदा को समझे। हम लोग यहाँ पे पूरा ही मतलब उनको साबुन से लेके सर्फ से लेके, जैसे गिरीश गांधी उन्होंने उनकी अपनी एनजीओ जो भी है उन्होंने साबुन सर्फ वगैरह जो भी सैनिटाइजेशन सामान वगैरह दिया है। और दूसरा चित्रगुप्त चित्रांश बहुद्देशीय संस्था, वहाँ से सुबह नाश्ता और चाय आता है और बाकी महानगर पालिका पूरा इंतजाम कर रही है। यहाँ पे कल आज तक 118 थे, अभी 35 लोग जटेवा सभागृह में शिफ्ट किए गए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। कल जो लोग आए, परसों के दिन जो लोग आए वो उन लोग तो काफ़ी ठीक थे, लेकिन कल जो लोग आए उनका कहने का मतलब है कि हमको यहाँ से जाने दो, हमको खाना खाने के लिए लेके आए ज़बरदस्ती। हमने उनको समझाया, माड़ा उपायुक्त तो माननीय उपायुक्त तो मैडम आए, उनकी पूरी टीम आई, महानगर पालिका के आए, हम सब मेरे पति भी बहुत सहकार्य कर रहे हैं, मेरा बेटा भी कर रहा है, सब ने बहुत उनका समुपदेशन किया। महानगर पालिका के लोगों के सब बड़े बड़े अधिकारी आए, उन्होंने भी बहुत समुपदेशन किया कि नहीं ये बीमारी बहुत भयंकर है, आप लोगों के अच्छे के लिए ही इस यहाँ पे जो है आपको रखा है। और ये बीमारी ऐसी है, पहले जितनी बीमारी भयंकर थी उससे ही मतलब इंसान डरता था, अब ये तो ऐसा है कि हमको समझ में नहीं आता, बात करने से लगती है। काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में आए हैं, लेकिन अब हम लोग पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम देश के लिए कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं। और मेरी संस्था को महानगर पालिका से चलाने को दिया है, मैं ऐश्वर्य बहुद्देशीय संस्था की संचालिका हूँ शालिनी सक्सेना, तो मैं चाह रही हूँ कि जितनी मुझसे मदद हो मैं कर रही हूँ। मेरा परिवार, पूरा परिवार इसमें जुटा हुआ है और हम लोग जो भी बाहर से बेघर लोग दूसरे राज्य के अटके हुए हैं उनको हम पूरी तरह सहकार्य कर रहे। परवापासन सिद्धेश्वर आले थे, परवा 35 लोक आले होते, काल 83 लोक आले होते, ते 83 लोक जे पारडी भागात 83 लोक मिळाले होते आणि 35 लोक बर्डी भागात मिळाले होते, पण त्यांना तिथे सिद्धेश्वर हॉल नगरपालिकेने घेऊन त्यांना तिथे शेल्टर होम तयार केलं होतं, त्या शेल्टर होममध्ये आणून ठेवलं होतं। शेल्टर होममध्ये जवळपास कॅपॅसिटी 70-80 लोकांची आहे, त्यामध्ये 118 लोकं झाले होते, आज 35 लोकं कमी करून जट्ट्यावर सभागृहात पाठवण्यात आलेले आहेत आणि बाकी जे आहेत आमच्यातर्फे म्हणून आम्ही व्यवस्था म्हणून त्यांना एक तर ते वैतागलेले आहेत की आम्हाला घरी जायचं हेच त्यांचं म्हणणं आहे, तरी त्यांना आम्ही जे बाकीचे आहेत त्यांच्याकडून आपण त्यांना जरा मार्गदर्शन करून आपण त्यांना तयार करून इथे ठेवलेलं आहे। त्यांची जेवणाची वगैरे व्यवस्था तिथे जे का मनपातर्फे ठेवण्यात आलेली आहे, जेवण नाश्ता राहण्याची व्यवस्था सिद्धेश्वराला चांगला आहे। तिथं अजून त्यांना करमणुकीचे साधन म्हणून आम्ही 3 TV बसवून दिलेले आहेत, त्यामध्ये आमचे इम्रान भाई यांनी केबलचं कनेक्शन पण देऊन टाकलेलं आहे आणि तसेच आम्ही त्यांना अजून खेळण्यासाठी साधन म्हणून 2 मोठे कॅरमबोर्ड पण दिलेले आहेत, तर त्यामुळे ते आता त्यांचं थोडं तिथे थांबण्याचं इच्छा झालेली आहे आणि त्यांना आम्ही समजून सांगितले की लॉकडाऊनपर्यंत आपल्याला काही दुसरा काही उपाय नाही आहे, तुम्ही काही जरी केले तरी आम्ही तुम्हाला काही बाहेर म्हणजे महाराष्ट्रातून बाहेर जाऊ देणार नाही, तुम्हाला इथं तुमची सगळी सोय करण्यात येईल, जेवण राहण्याची व्यवस्था, तिथे 24 तास पाणी आहे, सिद्धेश्वरालचे जे झाडे आहेत त्यांनी पण चांगली व्यवस्था करून दिलेली आहे, त्यांचा पण एक माणूस विकी नावाचा माणूस 24 तासाकरता तिथे ठेवलेला आहे, आम्ही पण आमचे 2 पोलीस दिवसा आणि रात्रीकरता ठेवलेले आहेत, एकंदरीत आपली हे आपली पाहुणे समजून आम्ही आमची त्यांची सेवा करत आहोत, एक माणुसकीच्या भावनेतून आम्ही त्यांची सेवा करत आहोत।